आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं बजाज मैक्सिमा में जीपीएस, और ये हमारा जीपीएस है, ठीक है। ये रिले है, इंजन ऑन ऑफ वाला लगाने वाले हैं, ये इसकी वायरिंग है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके अंदर इंजन ऑन ऑफ वाला जीपीएस ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। और उसको लगाने के लिए इसमें पहले हमें गाड़ी को हम लोग जो है ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये गाड़ी ऑन हो गई है और उसके बाद इसके अंदर देख लीजिए, चाबी के पीछे से करंट आता है, सब में सेम चीज़ है। तो वो वायर्स घूम घाम के यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमें 100% डाउट है कि वो ये जो मोटे मोटे तार हैं यही हैं उनमें से, ठीक है। तो हम इस कपलर को सबसे पहले निकालेंगे, निकालते अगर गाड़ी बंद होती है तो मतलब यही कनेक्शन है हमारे। निकालना इसको, देख निकालते बंद हो गए, लाइट चली गई है। अब लगाना एक बार उसको, आते आगे, मतलब सारे कनेक्शन इस कपलर के अंदर हैं, ACC वगैरह सारी वायर्स इसके अंदर ही हैं। तो अब हम इसमें ही इस GPS को लगाएंगे। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं, मीटर लेते हैं, मीटर से चेक करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम ये कपलर है आपका, इसके अंदर करंट चेक करेंगे। बॉडी अर्थ जो है आपका, बॉडी अर्थ कहाँ दें हम, ये हमने यहाँ पे अर्थ लगा दिया है टेम्प्रेरी बेस पे। अब देखिए इधर आ जाइए, अब हम इसको चेक करते हैं। ये हमने कपलर चेक किया था, ये एक रेड के ऊपर वाइट है, इसमें डायरेक्ट है, इसमें भी आ रहा है। अच्छा, चाबी ऑन है वहाँ से, इसमें भी आ रहा है। अब हम चाबी ऑफ करते हैं, ठीक है। अब इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारी डायरेक्ट है। अब हम डायरेक्ट जो है ये वाली है हमारी, रेड जो है डायरेक्ट है। अब हम जो है ACC चेक करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ये डायरेक्ट थी, ये हमारी ACC है, देख लीजिए ये भी ACC है, ये भी ACC है और ये भी ACC है। तो अब क्या है कि हमें इंजन ऑन ऑफ वाला लगाना है, तो इन दोनों में से एक तार कटेगी कोई सी, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम इंजन ऑन ऑफ का नहीं लगाते तो हम दोनों में से किसी में भी अपनी ACC की वायर दे सकते थे, डायरेक्ट इसमें दे देते तो और हमारा GPS लग जाता, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि किस वायर से आपका जो है, इसमें डायरेक्ट था, इसमें करंट आ गया, आया गई लाइट। देखिए दोस्तों, हमें अब क्या चाबी बंद करके चेक करना है इसको, इधर से इधर लगाया हमने, डैशबोर्ड में लाइट आ गई है, देख लीजिए, मतलब हमारी यही कटेगी। अगर ये सेल्फ होती तो हम इसको नहीं काटते, अभी क्या है सिर्फ डैशबोर्ड में करंट आ रहा है, तो मतलब यही वायर हमारी कटेगी। और रेड वाली जो है डायरेक्ट है, और जो रेड के ऊपर वाइट है इसमें बैक करंट आ रहा है, तो मतलब ये आपकी वायर कटेगी। तो ये दोनों कन्फर्म हो गए, अब हम इसमें कनेक्शन करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए, हमने जो है आपका ये वायर कट करनी थी, ये वायर आपकी, ये कट करके ये रिले है, रिले का ग्रीन एक साइड लगा दिया, दूसरा ग्रीन ये देख लीजिए, ये यहाँ पे दूसरी साइड लग गया है, जो कटी थी उसके दूसरे एंड पे। GPS के अंदर आपकी ये चार वायर हैं, रेड, ब्लैक, येलो और ऑरेंज। ऑरेंज वायर ACC है जो हमने इसके साथ जोड़ दी है, रेड डायरेक्ट है और आपका मतलब डायरेक्ट 12 वोल्ट है रेड को, और GPS को भी हमेशा करंट चाहिए, तो GPS की वाइट वो है, वाइट को एक साथ हमने गाड़ी की मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया, ये मेन लाइन से कनेक्ट हो गया, ऑरेंज से कनेक्ट हो गया, येलो रिले की येलो से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी हमारा काम हो गया, हमारा सिर्फ रह गया बॉडी अर्थ। इसका जो अर्थ है वो टेम्प्रेरी बेस पे हम कहीं फंसा लेते हैं, फिर बाद में इसका देखेंगे कहाँ पे लगाना है इसको। इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, अर्थ हमने लगा लिया है,
येलो येलो में जुड़ गया है हमारा, ठीक है। रिले के दोनों ग्रीन थे, एक ग्रीन इधर लग गया है और एक ग्रीन जो हमने वायर काटा था सेकंड एंड पे लग गया है। और जीपीएस की चार वायर थी, येलो ऑरेंज येलो येलो में चली गई है जीपीएस की, ऑरेंज एसीसी है जो कि इस ग्रीन के साथ चली गई है। अगर हम इसमें विदाउट वायर कट जीपीएस लगाते तो हम इस वायर को काटते नहीं, ऑरेंज हम डायरेक्ट इसमें जोड़ देते और रिले लगाते नहीं, और इसकी जो येलो है इसको हम खाली ब्लैंक छोड़ देते, मतलब काट के अलग कर देते इसको। अब रेड जो है ये डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट की वायर है, तो इसको हमने रिले को भी हमेशा डायरेक्ट करंट चाहिए, तो इसकी दोनों को एक साथ इसके आप ये मैक्सिमा ये जो छोटा आती है कौन सा ये बजाज मैक्सिमा है, इसके जो डायरेक्ट करंट की वायर है इसमें लगा दिया। अब बचा हमारा बॉडी अर्थ, बॉडी अर्थ हमने जो है यहाँ पे लगा दिया टेम्परेरी बेस पे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है, उससे पहले हम इस कपलर को लगा लेंगे। गाड़ी को ऑन कर लेंगे, गाड़ी को मतलब चालू कर लेंगे, चालू करना है इसको, गाड़ी चालू कर दो, चालू हो गई है। अब ये जो येलो है इसको हम बॉडी अर्थ पे कहीं भी टच करेंगे ना तो ये बंद हो जानी चाहिए हमारी, इसको यहाँ लगा लेते हैं हम टेम्परेरी, यहाँ से पकड़ लेते हैं टच करने के लिए, इसको अब हम यहाँ से टच करते हैं, बंद हो गई हमारी गाड़ी, जैसे बॉडी अर्थ में हम इसको लगाएंगे ये बंद हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे कनेक्शन सब ठीक है, ओके है। अब हम इस अर्थ को परमानेंट किसी नट वगैरह में देख के इधर कहीं लगा देंगे इसको, और हमारा काम हो गया। उसके बाद हम इसको टेपिंग वगैरह करके पैक कर देते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा सारा काम हो चुका है, हमने टेपिंग वगैरह सारी कर दी है, कनेक्शन तो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब टाई वगैरह लगा के इसको फिक्स कर देंगे, ये सारा जितना भी है ना ये सारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अर्थ हमने इसके पीछे से इसमें लगा दिया। ये हमारा अर्थ का वायर है, ये रहा नीचे की साइड है, आपको दिखेगा नहीं है यहाँ से। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको किसी भी तरीके का जीपीएस है आपके पास ऑलरेडी से चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, आपको न्यू बाय करना है अपनी गाड़ी के लिए तो कर सकते हैं, बाइक स्कूटी कार सबके लिए मिलता है। आप चाहें तो डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, आपको सस्ता पड़ेगा, ऑनलाइन बाय करेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा, और वहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो जाएगी। और हर तरीके का जीपीएस बल्क में चाहिए जैसे भी चाहिए आपको, हमारा काम जीपीएस का है, आप हमसे मंगा सकते हैं। जीपीएस लगाने के बाद आप इस तरीके से हमारी 99 जीपीएस लॉगिन ऐप है प्ले स्टोर पर वो डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको ये सारी गाड़ियाँ इस तरीके से चलती हुई दिखेंगी, ग्रीन रेड, और ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लाइव मैप पर आपको दिख जाएगी चलती हुई जहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलते हुए देख सकते हैं मैप के ऊपर किस स्पीड में जा रही है, ऊपर आ जाएगा आपका, और कितनी देर से खड़ी है वो सब यहाँ पर बताएगा आपको।